जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है दोस्तों आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको इस बुक का रिव्यू, एक्चुअली नॉट रिव्यू, ये बुक यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए इंडिया की मोस्ट फेमस बुक है, विच इज रिटन बाय केवीएस मदान। मदान जी की ये बहुत ही फेमस बुक है। अगर कोई भी बच्चा यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा हो या तैयारी करने का सोच रहा हो, अगर आप किताब खरीदने की बात करेंगे तो पहला यही बुक है जो अपने दिमाग में आता है। मैंने भी बहुत सारे यूट्यूब पे सीनियर्स जो कि पीएचडी कर चुके हैं, जो जेआरएफ क्वालिफाइड कर चुके हैं, उनके यूट्यूब पे वीडियोस देखे और मैंने सर्च किया कि कौन सी बेस्ट बुक है, तो बहुत लोगों ने इसको रेकमेंड किया। देखिए, तो मैंने भी ये बुक खरीदा और सोचा कि एक जेन्युइन फीडबैक लेते हैं, रिव्यू लेते हैं। अब ये देखेंगे कि वास्तव में इसमें बुक में दिया क्या है, इसका कंटेंट क्या है, इसमें कैसे चीजों को फ्रेम किया गया है, क्या प्रीवियस ईयर है या फिर चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन है, और क्या एक्सप्लेनेशन के बाद हमें प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं कि नहीं दिए गए। तो एक कंप्लीट रिव्यू करेंगे, पेज वन से लेके पेज लास्ट तक हम एक बार देखते हुए चलेंगे। मतलब एक एक पेज नहीं देखेंगे, हमें आ जाएगी कि क्या इसमें सारे चैप्टर दिए गए हैं, जो हमारे 10 यूनिट होते हैं, क्या उसके सिलेबस दिए गए हैं, क्या प्रीवियस क्वेश्चंस दिए गए हैं, और हमें प्रैक्टिस करने के लिए कितने क्वेश्चंस दिए गए हैं, कौन सा चैप्टर लेंथी है, कौन सा चैप्टर में ज़्यादा न्यूमेरिकल है, कौन सा चैप्टर में कम न्यूमेरिकल है, और चैप्टर क्या है, पूरा इस बुक को हम अच्छे से इसको रिव्यू कर लेते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे ये आपका कवर पेज। कवर पेज में सिक्स एडिशन, याद रखिएगा मैं सिक्स एडिशन की बात कर रहा हूँ, 2023 राइट, 2023 एग्जाम्स के लिए बात कर रहा हूँ। हालांकि अब जो बुक आएगी वो 2024 के लिए आएगी, वो सेवेंथ एडिशन होगी, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। सिक्स एडिशन की यूजीसी नेट की बुक, पहला आपके कवर पेज है। कवर पेज के बाद आप जैसे ही आएंगे, आप यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से लिखा है, एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ सामान्य पेपर, जो कॉमन पेपर होता है जिनको नेट जीआरएफ देना है, चाहे आप किसी सब्जेक्ट को, पेपर होना सबके लिए कॉमन होता है। शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता छठा संस्कृत सिक्स एडिशन है। मैं हिंदी में यहाँ पे लिखा है, लेकिन बाइलैंग्वेज चलने की कोशिश करेंगे, राइट। नाउ कम टू द टेक्स्ट, विषय वस्तु, यहाँ पे आपके कंटेक्स्ट दिए हुए हैं कि क्या क्या इस चैप्टर के अंतर्गत है। अब यहाँ पे जरा समझिए, सबसे पहले क्या है, प्रस्तावना, इसके बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन होगी। फिर इसके बाद अस्वीकृति, लेखक के विषय में जो भी अकीयस मदान जी है उनके बारे में थोड़ी सी बताई जाएगी, अविस्वीकृति मतलब इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझाया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के बारे में, जो नेशनल टेस्टिंग एजुकेशन एजेंसी है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा थोड़ा सा, बहुत शॉर्ट, यहाँ तक आपकी पढ़ाई शुरू नहीं हुई है, बट हाँ इसके बारे में दिया गया। नेक्स्ट देखेंगे तो नई यूजीसी नेट परीक्षा पद्धति के बारे में आवश्यक। ये दोस्तों मैं आपको कह दूँ कि ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के बाद, मतलब पर्सनली ये जो पॉइंट है ना कि यूजीसी नेट जीआरएफ परीक्षा पद्धति, अब इसमें क्या है, कंप्लीट आपका एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया गया, कितने नंबर का पेपर होता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, क्या क्या एक्सर, कंप्लीट इसके बारे में बताया गया है। अभी हम इसको देखेंगे, पहले हम इसको एक बार देखेंगे, राइट। चलिए उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद है दोस्तों, उसके बाद है आपका एनटीए, सॉरी ये रहा, राइट, एनटीए यूजीसी नेट, इसके एनटीए यूजीसी पाठ्यक्रम की परीक्षा पद्धति, कंप्लीट सिलेबस के बारे में आपको बताया गया है यहाँ पे। अब आइए, अब यहाँ पे पिछले साल के जो पेपर थे उनका पेपर सेट वन और सेट टू आपका दिया जाएगा आपके प्रीवियस ईयर में, उसके बाद आपका यहाँ पे एक्सरसाइज शुरू हो जाता है। अब आप कहोगे सर क्या इसमें दो ही प्रीवियस ईयर के सेट दिए हैं? जी नहीं, दो जो करंट प्रीवियस ईयर के थे वो दिए गए, बाकी अगर आप लास्ट में आएंगे तो लास्ट में आपको और ज़्यादा यहाँ पे दिया गया है। लास्ट में आपको चार पाँच सेट, देखिए 1 2 3 4 5 छह प्रीवियस ईयर के, और यहाँ पे विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीवाईक्यू एज इट इज आपको यहाँ पे दिया गया, और ना केवल दिया, अच्छा एक और चीज है, ये बस नॉर्मल जैसे पेपर होता है वैसे पेपर दे दिया गया, उसके बाद लास्ट में आंसर की देगा, उसके बाद लास्ट में इसको एक्सप्लेनेशन देगा, राइट। तो आप अगर हम पीवाईक्यू की बात करें तो इस बुक में आपको जस्ट प्रीवियस ईयर के दो सेट मिल गए, उसके बाद छह सेट ये मिल गए, कंप्लीट आपको 2 4 6 8 सेट आपके पीवाईक्यू के यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम वन बाय वन देख लेते हैं, इस पेज को हम टर्न करते हैं, इस पेज के बाद क्या आता है, इस पेज के बाद आप आएंगे तो लेखक के विषय के बारे में, जैसे केवीएस मदान जी के बारे में दिया गया है, तो ये आपको यहाँ पे अगर कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ ले, जनरली बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो इट्स फाइन, मैं आपको बस बता दूँ इसके बाद क्या दिया है, राइट। इसके बाद आप जो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजुकेशन एजेंसी के बारे में दिया गया है यहाँ पे, उसकी पृष्ठभूमि थोड़ी सी बताई दी गई है, इसके प्रथम वर्ष में 25 करोड़ एक बारगी अनुदान का बजट प्रावधान किया गया, थोड़ा सा इसके बारे में, हालांकि ये आपके क्वेश्चंस का पार्ट नहीं है, बट आपका जो एजेंसी टेस्ट लेता है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बताया गया, राइट। अब आइए यहाँ से आपको शुरू होता है, जैसे मैंने आपको बताया
नई यूजीसी नेट परीक्षा पद्धति के बारे में आवश्यक जानकारी है। ठीक है, आवश्यक जानकारियों का मतलब जैसे इसकी फेलोशिप क्या होती है, इसकी योग्यता क्या होती है, योग्यता के बारे में यहाँ पे बताया गया है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करते चलूँ। योग्यता के बारे में जैसे बताया गया है कि अधिकतम आयु 30 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और इसमें कुछ छूट भी मिलती है, रिलैक्सेशन भी मिलती है। आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% या 55% अंक होने चाहिए, इस तरीके के इसमें दिया गया है। विषय चयन की बात करें तो विषय चयन में कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के विषय के साथ ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। जैसे आपका पीजी अगर साइंस से हो तो आप साइंस में नेट जीआरएफ दे सकते हैं, एजुकेशन हो, साइकोलॉजी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, तो जो भी आपका हो वो आपका यहाँ पे आप उसमें दे सकते हैं। इसके बारे में इस बुक में यहाँ पे कंप्लीट बताया गया है, राइट। नीचे अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे नई परीक्षा कब लागू हुई, पेपर वन के बारे में बताया गया कि पेपर वन कितने नंबर का होता है। जरा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, राइट। चलिए बहुत अच्छा, पेपर वन के बारे में बताया गया है कि पेपर वन आपका 100 नंबर का होता है, 50 प्रश्न दिए रहेंगे। पेपर टू के बारे में 200 नंबर का होता है, 300 प्रश्न दिए रहेंगे, इस तरीके से आपको यहाँ पे बताया, करेक्ट, समझ में आ गई। अब पेपर वन को भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न अनिवार्य होंगे, मतलब कंप्लीट ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है, और 2 अंक होंगे, और इसमें ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। क्यों कराया जाता है? क्योंकि तार्किक क्षमता, लॉजिकल रीजनिंग, विभिन्न सोच, जागरूकता परीक्षण के लिए ये डिजाइन किया गया कोर्स है, जो सबके लिए कॉमन है। ठीक उसी तरह से पेपर टू को भी एक्सप्लेन किया गया, राइट। मैं बहुत डीप नहीं जा रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ कि इस बुक में दिया क्या है, ताकि आपको किताब खरीदने में आसानी हो। अच्छा, बहुत सारे बच्चे अभी भी मूड बना लिए होंगे बस अब तो खरीदना है, राइट। पूरा देख लीजिए, समझ आ जाएगा, राइट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ के पाठ्यक्रम पद्धति, मतलब जो आपका कंप्लीट सिलेबस है उसके बारे में दे दिया गया है। आप सबको पता है कि सिलेबस में आपके टोटल 10 यूनिट है, मान लीजिए 10 चैप्टर है, नहीं 10 यूनिट मान लीजिए, क्योंकि उस यूनिट के अंदर भी 2-3 चैप्टर होते हैं, राइट। तो 10 यूनिट है। पहला यूनिट क्या है भाई, शिक्षण अभिवृत्ति, टीचिंग एप्टीट्यूड, शोध अभिवृत्ति, रिसर्च एप्टीट्यूड, बोध कंपेरिजन या फिर अंडरस्टैंडिंग कह लीजिए, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, गणितीय तर्क एवं अभिवृत्ति, युक्तियुक्त तर्क, थोड़ा हिंदी ज्यादा हो गया, तो ये आपका 6th यूनिट हो गया। और 7th यूनिट में अगर आप देखेंगे, आंकड़ों की व्याख्या, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT, लोक विकास और पर्यावरण इन्वायरमेंट के बारे में, और उच्च शिक्षा हायर सेकेंडरी एजुकेशन, उच्च शिक्षा के बारे में यहाँ पे ये आपके कंप्लीट 10 यूनिट है। इसी 10 यूनिट से पेपर वन में आपके 100 नंबर के सवाल आने हैं, 50 सवाल आने हैं, ठीक है। अब इस यूनिट के अंदर भी 1 by 1 एक्सप्लेन किया गया है कि कौन सा चैप्टर, और ये सारे चैप्टर इस बुक में दिए गए हैं, राइट। तो टीचिंग क्या होती है, टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, शिक्षण प्रभावक तत्व कौन कौन से फैक्टर हैं जो टीचिंग को इफेक्ट करते हैं, उच्च अधिगम संस्थाओं की पद्धति, शिक्षण सहायक प्रणाली, मूल्यांकन इवैल्यूएशन सिस्टम, इन सारे चीज़ों के बारे में बताया गया है कि आपको क्या आगे क्या पढ़ना है। ये कंप्लीट आपका जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया और आपको सामने दिया गया। सिमिलरली दोस्तों, शोध अभिवृत्ति, रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में बताया गया कि आपको क्या पढ़ना है, रिसर्च पढ़ना है, रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ना है, इसके जो प्रबंध लेखन आलेखन है वो आपको देखना है, और ICT का क्या प्रयोग है रिसर्च में, रिसर्च मोरालिटी क्या होती है, या ये कंप्रहेंशन के बारे में, कंप्रहेंशन के बारे में आपको बता दूँ कि एक गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश में से पूछे गए प्रश्न को उत्तर देना होगा, यहाँ पे साफ तौर पे लिखा है। और आपको कम से कम मुझे लगता है कि 20 या 25 कंप्रहेंशन यहाँ पे बुक में प्रैक्टिस के लिए दिए गए, राइट, 25, और उसका एक्सप्लेनेशन भी किया गया, बड़ा मजा आया, बुक बहुत अच्छी है। तो थर्ड क्या भाई, बोध कंप्रहेंशन में, मतलब आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा हिंदी में, और इंग्लिश जो बच्चे इंग्लिश में दे रहे होंगे इंग्लिश में रहेगा, उस पैराग्राफ के आधार पे आपके कुछ प्रश्न दिए रहेंगे, उसको आपको सॉल्व करना है, राइट। और ठीक उसी तरह से कम्युनिकेशन, तो हम इसको बस ये देख लीजिए कि ये सारे 10 चैप्टर दिए गए और उस सॉरी 10 यूनिट दिए गए, उस यूनिट के अंतर्गत आने वाले चैप्टर भी आपको यहाँ पे दिए गए, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे आप आएंगे तो आपको 2 जो प्रैक्टिस सेट दे प्रीवियस ईयर के वो आपको मिल जाएंगे, 2022 का प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। तो प्रैक्टिस सेट में देखिए ऊपर कुछ लॉजिकल रीजनिंग के सवाल है। अब हम क्या करेंगे, अगले वीडियोस में एक एक सब्जेक्ट, एक एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे, उस चैप्टर में क्या है क्या नहीं पढ़ना है, फिलहाल हम पूरे किताब के चलते हैं। फिर आपका जो दूसरा सेट है वो आपको इस बुक में मिल जाएगा, मैं इस बुक की बात कर रहा हूँ अपने पास रखें, इस बुक में। चलिए तो दूसरा आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। अब यहाँ के बाद से दोस्तों आपका पहला एक्सरसाइज यानी कि पहला यूनिट शुरू होता है। अब पहले यूनिट की बात करें तो जो आपके 6 चैप्टर ये देखिए, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6, ये 6 चैप्टर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे आराम से, राइट। अब इस 6 चैप्टर को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया होगा और लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में, इन 6 चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा।
इस 6 चैप्टर को कंप्लीट कितने पेज में एक्सप्लेन किया गया है मैं आपको चीज बता दूं, इसमें कंप्लीट आपको 50 याद रखिए पेज नंबर 58 राइट, तो 57 पेज में ये जो आपका कंप्लीट चैप्टर 1 है वो 57 पेज में ये कंप्लीट हुआ है, 57 पेज में आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर वो कंप्लीट हुआ है 57 पेज में राइट। और 57 पेज के बाद जो 58 नंबर का पेज है, 58 नंबर पे पेज पे अगर आप आएंगे तो ये देखेंगे आप इस चैप्टर 1 से जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं उनको यहाँ पे एज इट इज क्वेश्चन में दे दिया गया। और अच्छी बात यह है कि आंसर यहाँ नहीं दिए गए, आंसर लास्ट में दिए गए। टोटल कितने क्वेश्चन एक्सरसाइज के लिए आपको दिए गए बच्चों, तो टोटल आपको 381 चैप्टर 1 से 381 आपको इस बुक में प्रैक्टिस के लिए दिए गए। अच्छा, इस बुक की एक और डिजाइन की बात करूं, इसमें देखेंगे आप दो कलर में दिख रहा होगा, तो जो ये व्हाइट कलर है ना, ये व्हाइट कलर आपका चैप्टर है, जैसे ही व्हाइट कलर आप कंप्लीट करेंगे और ये जो है आपका प्रैक्टिस सेट यहाँ पे एक्सरसाइज के लिए शुरू हो जाता है, यहाँ से आपका एक्सरसाइज शुरू हो जाता है। ठीक वैसे ही जब ये कलर वाला आप हटाएंगे तो फिर आपका दूसरा चैप्टर यहाँ से शुरू हो जाएगा, ठीक है, दूसरा चैप्टर आपका यहाँ से शुरू हो जाएगा, कलर पेज हटाएंगे तो आपका दूसरा चैप्टर यहाँ से शुरू हो जाएगा राइट। अब इस दूसरे चैप्टर के बाद फिर व्हाइट वाला जब हटाएंगे तो दूसरे चैप्टर की जो एक्सरसाइज होगी जो आपको प्रैक्टिस करना है वो यहाँ पे आपके न्यूमेरिकल मिल जाएगा राइट, इस तरीके से। अब इसमें देखिए आपका चैप्टर 1 में टोटल 381 क्वेश्चंस दिए गए आपके प्रैक्टिस के लिए और उन सब का यहाँ पे आंसर दिया गया है। और आंसर कैसे दिया गया है, जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर था ना शिक्षण अवधारणा प्रकृति, इस तरीके से आपको टोटल यहाँ पे कंप्लीट आपको आंसर की मिल जाएगा। समझ में आ गई बात, ये हो गई बात फर्स्ट। अब सारे चैप्टर का ऐसे ही हाल है। सेकेंड चैप्टर में अगर आप आए, सेकेंड यूनिट कह लीजिए या थर्ड यूनिट कह लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। तो सेकेंड यूनिट में जो रिसर्च एप्टीट्यूड है इसके टोटल कितने लेसन चैप्टर है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इसमें भी टोटल कितने हैं भाई, 6, इसमें भी टोटल कितने हैं, 6 है राइट। तो अब इस 6 के बारे में 1x1 इसमें एक्सप्लेनेशन मिलेगा और उसके बाद लास्ट में आपको मिल जाएगा 287 इसमें को, इसमें टोटल कितने पेजेस हैं भाई, इसमें टोटल 56, पहले वाले में भी 57 था, इसमें भी 56 पेज में आपका कंप्लीट चैप्टर 2 है, ये पूरा आपका यूनिट 2 है ठीक है। और उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ से मिल जाएगा इस यूनिट से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, 287 क्वेश्चन भी यहाँ पे दिए गए, नीचे आपको आंसर की मिल जाएगा ठीक। वैसे ही आप थर्ड चैप्टर की बात करें, थर्ड यूनिट में क्या भाई, कॉम्प्रिहेंशन बोध अंडरस्टैंडिंग समझ लीजिए। अब इसमें क्या है, इसमें देखिए अध्ययन बोध का परिचय चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 तो ये आपको कंप्लीट 5 चैप्टर यहाँ पे मिल जाएगा। फिर लास्ट में आपको इसमें पैराग्राफ दिया रहेगा राइट, मैं आपको एक फोटो एक्स्ट्रा यहाँ पे, जैसे ये पैराग्राफ दिया गया राइट। अब इस पैराग्राफ के आधार पर ऐसे ही आपको पैराग्राफ देगा, फिर नीचे 2-4 क्वेश्चन पूछेगा, आपको यहाँ से सॉल्व करना है। तो ये जो कॉम्प्रिहेंशन है ना, इसमें 25 या 23 आपको पैराग्राफ दिए गए हैं, उस पैराग्राफ के आधार पर प्रैक्टिस सेट किया है, बस यही नॉर्मल, इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, बहुत कम पढ़ना, जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है ये सब नहीं, पैराग्राफ दिया रहेगा उसके नीचे को न्यूमेरिकल रहेगा, वो उसके नीचे प्रॉब्लम रहेगा, आप उसको सॉल्व करना है, ये तो आप हर एग्जाम में करते ही राइट। तो ये हो गया थर्ड चैप्टर। फोर्थ चैप्टर की बात करें, कम्युनिकेशन आपका यूनिट है फोर्थ। अब इसमें 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर है जो कि इसमें एक्सप्लेन किया गया। और अच्छी बात, मैं साथ ही साथ पेज नंबर इसलिए बता रहा हूँ ना कि आपको ये ना लगे कि यार इतना ज़्यादा है, इसका पेज नंबर शायद गायब हो गया। इसमें भी लगभग दोस्तों, इसमें भी लगभग 42 पेज। अब सोचिए 42 पेज में एक पूरी यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी, 42 पेज में ये पूरा 5 चैप्टर जो है इसमें एक्सप्लेन किया गया राइट, 42 पेज में। तो ये अच्छी बुक है। ये हो गया फोर्थ। टोटल आपके कितने यूनिट है, 10 ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें गणितीय तर्क, वाह ये तो मेरा फेवरेट है, तो मुझे लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इसमें दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 है, 5 टोटल आपके इसमें एक्सरसाइज या चैप्टर कह लीजिए आप पाँचवें यूनिट में। अब इसमें देखिए क्या है, तर्क के प्रकार ठीक है, तर्क के प्रकार हो गए, मतलब टाइप्स ऑफ लॉजिकल लॉजिक, मतलब जो नंबर सिस्टम्स होते हैं, मैथ्स के प्रॉब्लम होंगे, कूट लेखन अनुवाद, इस तरीके के वर्गीकरण। जब हम एक एक करके एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करेंगे ना तो उसमें और ज़्यादा फायदा समझ आएगा कि इसमें क्या क्या दिया है राइट। अब यहाँ पे देखिए जैसे कुछ न्यूमेरिकल जो इसमें दिए गए हैं, अब इस तरीके से इस न्यूमेरिकल में देखिए, यहाँ 8 है, 24 है, 12 है, यहाँ पे डैश है, 18, 14, तो बीच में क्या होगा। अब इसमें क्या करना है आपको, आपको थोड़ी सी लॉजिक लगानी है, लॉजिक कैसे सॉल्व। तो अब आपको लगेगा कि इतना आसान नहीं देता है, लेकिन हाँ आसान से लेके टफ तक सारे क्वेश्चन से आपके देखेंगे। जैसे देखिए 8, 3 या 24, 3 का मल्टीप्लाई है, 18, 3 या 54, 3 का मल्टीप्लाई है, तो 12, 3 या 36, 36 आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। इसी तरीके के ये वाला एक टाइप ये हो गया। दूसरा टाइप ये देखिए,
दूसरा टाइप इसमें देखिए QARRASSATTUBE, तो यहाँ क्या होगा, इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व भी करने को मिले। तो आप देखेंगे PQRRSSTTU, तो अगला क्या होगा UB, जो अगला क्या होगा UB और A सब के बीच में है, तो क्या हो जाएगा UAB हो जाएगा। इस तरीके से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, UAB हो जाएगा आपका सही आंसर, UAB, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे, इस तरीके से जब बुक पढ़ेंगे आपको अच्छा लगेगा। अब कुछ आपको इसमें इस तरीके के भी प्रॉब्लम मिलेंगे, इस तरीके के भी प्रॉब्लम मिलेंगे, कुछ आपके इस तरीके के भी प्रॉब्लम। 5 सितंबर 2020 को शुक्रवार था, तो 15 सितंबर 2001 को, सॉरी 5 सितंबर 2000 को शुक्रवार था, तो इस तरीके से आपको कैलेंडर से भी सवाल मिलेंगे। जितने टाइप्स के सवाल बन सकते हैं उसमें इसमें दिया गया, राइट। चलिए अब हम आते हैं 6th चैप्टर की तरफ। 6th चैप्टर क्या है, लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में भी कुछ सवाल आपके दिए गए होंगे, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, कुछ आपके क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया, ठीक है, आपके जो आपने जो पढ़ा उससे रिलेटेड, और आपको कुछ यहाँ पे सवाल दे देंगे। लॉजिकल रीजनिंग जो आपका 6th यूनिट है, इसमें भी 7 एक्सरसाइज है, ठीक है। इसके आधार पे इसको पूरा एक्सप्लेन किया गया है, और उसके बाद लास्ट में आपको टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चन दिए गए, इसमें टोटल 19, इसमें थोड़ा सा कम क्वेश्चन दिए, 19 नहीं और भी ज़्यादा दिए होंगे, मैंने क्लिक नहीं किया। 7th एक्सरसाइज क्या भाई, डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन में सवाल अच्छे खासे पूछे जाते हैं और बेहतरीन पूछा जाता है। एक आपको पूरा चार्ट दे देगा, ठीक है, जैसे इस तरीके का एक चार्ट दे देगा और इससे संबंध 5 या 6 सवाल दे देगा, तो बहुत ही बेहतरीन अच्छे से पूछा जाता है, और इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस इसके लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है। तो ये आपके जो भी इसके न्यूमेरिकल होंगे उसको मैं तो सॉल्व कराऊंगा, अगर आप बुक खरीदेंगे तो आप भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम डेली, एक दिन में एक एक्सरसाइज तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन डेली जो भी हो सकता है, जैसे हमारे लिए एक दिन में हमने 2 डेटा को सॉल्व कर लिया, एक दिन में हम जैसे ये हमारा मान लीजिए 8 एक्सरसाइज है, 8 चैप्टर है, इसका हमने कोई एक एक्सरसाइज यहाँ पे ICT का हमने यहाँ पे पढ़ लिया, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। 8वां एक्सरसाइज क्या है भाई, 8वां हमारा है यूनिट ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें टोटल 5 चैप्टर है, अब इसको भी 1 by 1 इसमें एक्सप्लेन किया गया है, और लास्ट में आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए। टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कितने दिए गए, 268 यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए, करेक्ट। ये हो गई बात चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 9 लोग विकास और पीपल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट, तो इसके लिए टोटल आपके 7 एक्सरसाइज है, और इस 7 एक्सरसाइज को इस किताब में एक्सप्लेन किया गया है, कितने पेजेस में, 52 पेजेस में। कितने पेजेस में भाई, 52 पेजेस में इसको एक्सप्लेन किया गया है। 53 नंबर पेज से आपका क्या है, 53 नंबर पेज से आपका आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए। टोटल कितने क्वेश्चन दिए गए इस चीज़ को देख लीजिए, टोटल आपके यहाँ पे 328, कितना भैया, 328 क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए गए, करेक्ट। समझ में आ गया, बहुत सही। ये हो गई बात चैप्टर नंबर 9 की। अब भाई चैप्टर नंबर 10 की बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर टेन एक्सरसाइज नंबर यूनिट कर लीजिए, इसमें टोटल आपके 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे इसके एक्सरसाइज होंगे, इसके चैप्टर होंगे, और उसमें टोटल कितने पेजेस में एक्सप्लेन किया गया, 42 पेजेस में इसको एक्सप्लेन किया गया है, और उसके बाद 43 नंबर पेज से आपका क्या होगा, 43 नंबर पेज से आपको यहाँ पे प्रॉब्लम मिल जाएगी प्रैक्टिस के लिए। टोटल कितने प्रॉब्लम आपको मिल जाएंगे, 162, ठीक है, 162 यहाँ पे प्रॉब्लम आपको मिल गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे एक सवाल देख लीजिए कि NIRF 2022 की सूची, इस तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ तक हो गया भाई कंप्लीट आपके 10 यूनिट के बारे में। लास्ट में अब क्या शुरू हो जाता है भाई, लास्ट में आपको विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, यानी कि यूं समझ लीजिए आपका PYQ यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, राइट। अब PYQ में आपको जून 2019 का सेट मिल जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद आपको दिसंबर 2019 का सेट मिल जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद आपको मिल जाएगा 2020 का, फिर उसके बाद मिल जाएगा आपको 2021 का, और शुरू में आपको 2022 का मिला था, और लास्ट में इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर की ये बुक का लास्ट का पेज आ जाता है। एक चीज़ मैंने यहाँ आपको बताना भूल गया कि इसकी प्राइस कितनी है। दोस्तों बुक पे अगर आप देखेंगे तो 550 रुपये का प्रिंट है, कितना है, 550 रुपये का प्रिंट है। अमेजोन पे ये अप्रॉक्स आपको आपको 400 के अंदर में मिल जाएगा। मैंने इसको परचेज़ किया था 385 रुपये में, ऑफलाइन खरीदता था लखनऊ से। बाकी ये फेमस बुक है, जो भी अगर कोई बड़ी शॉप होगी, जो पुरानी शॉप होगी, वो डेफिनेटली इसको रखते हैं। अभी जो 6th एडिशन है ना, वो 6th एडिशन लेटेस्ट है, दिसंबर में पेपर होने वाला है, दिसंबर 2023 में, उसके लिए मुझे लगता है कि शायद एक नई एडिशन जरूर आएगी, 2024 की एडिशन आएगा, 7th एडिशन आएगा। फिलहाल अभी वो आया नहीं है, करेंटली जो लेटेस्ट है वो यही है, UGC नेट 6th एडिशन का, जो 2023 के लिए फ्रेमवर्क किया गया था, और ये आपकी कंप्लीट बुक हो गई। समझ में आ गया भाई। चलिए मैं आशा करता हूँ कि अब ये किताब समझने में, अब इस किताब को पढ़ने में आपको सहायता मिलेगी।
अब आपको ये इसको समझ गए, किताब खरीदना है कि नहीं खरीदना है, आप इसका निर्णय बना सकते। एक और चीज, इसके इसके अल्टरनेटिव में जो किताबें हैं आप उसको एक बार रेफरेंस देख लीजिएगा, या फिर जो मुझे मिलता है मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल ये बुक ना कोई स्पॉन्सर, मुझे कौन ही स्पॉन्सर करेगा, इतना छोटा सा चैनल है। हाँ, लेकिन सारे टीचर इसको रेकमेंड करते हैं, इसलिए मुझे लगा कि एक बार इसको खरीदते हैं, देखते हैं और इसको एक बार बच्चों को बताते हैं कि ये बुक कैसी रहेगी। मुझे एक चीज़ लगता है कि आप निराश नहीं होंगे अगर आप ये बुक खरीदते हैं, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी सब लोग इसको रेकमेंड करते हैं तो आप इसको बाय कर सकते हैं। अब आगे क्या करेंगे, जैसे हमने पूरा देखा, अब हम एक काम करेंगे, किसी एक यूनिट को, जैसे यूनिट नंबर वन, मैं आ जाता हूँ यूनिट नंबर वन में, एक सेकेंड। ये हमारा यूनिट नंबर वन, राइट, ये हमारा यूनिट वन है। अब हम एक दिन क्या करेंगे, एक दिन एक वीडियो, केवल वो जो वीडियो होगी ना वो यूनिट वन के लिए होगी। उस यूनिट वन में क्या होगा, उस यूनिट वन में ये होगा, ये जितने भी आपके एक्सरसाइज दिए गए हैं बाबू, जितने भी आपके एक्सरसाइज दिए गए, तो यूनिट वन में जितने भी दिए गए इन सबको एक वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर, जैसे मान लीजिए शिक्षण अवधारणा उद्देश्य, उसके अंदर भी कुछ टॉपिक है, क्या कैसे क्या लिखा गया है, क्या इसको पढ़ा गया है, एक बार हम बस उसको गो थ्रू हो जाएंगे, मतलब एक बार उसको बस देख लेंगे। फिर उसके बाद वन बाय वन करके डेली क्लासेस में पढ़ा जाएगा। एक दिन में तो मुझे लगता है एक दिन में, अभी मैं पढ़ के फिर बताऊँ, एक दिन में जैसे ये तो कंप्लीट हो ही जाना है, तो डेली ऐसे अगर हम देखते हुए चलेंगे, डेली ऐसे, जैसे मान लीजिए 10 यूनिट है, 10 यूनिट में किसी में 6 है, किसी में 7 है, किसी में 5 है, हम अप्रॉक्स मान लेते हैं, मैंने कैलकुलेट नहीं किया, फिर भी अप्रॉक्स मान लेते हैं 60 होगा। तो अगर हम डेली एक खत्म करते हैं तब भी हमें 2 महीने लग जाएगा, ठीक। तो अच्छा, लॉजिकल रीजनिंग और वो कॉम्प्रिहेंशन तो एक दिन में पूरा खत्म हो सकता है ना, जैसे उसमें अगर 5 यूनिट है, 5 एक्सरसाइज है कॉम्प्रिहेंशन का, तो आराम से कर सकते, उसमें सॉरी उसमें तो एक्सरसाइज ही नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन आप पूरा कर सकते हैं, वो तो प्रैक्टिस के सुबह से लेकर शाम तक बैठिए, कॉम्प्रिहेंशन खत्म। लॉजिकल रीजनिंग में तो ऑलरेडी आपकी प्रैक्टिस होगी, ऑलरेडी आपने कई बार, चाहे कोई भी एग्जाम देते हो आप लॉजिकल रीजनिंग तो करते ही हैं, तो आप एक बार उसको कर लेंगे। तो ये जो दो एक्सरसाइज है, जैसे कॉम्प्रिहेंशन वाला और लॉजिकल रीजनिंग वाला, ये टोटली प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो एक हफ्ते के अंदर एक और ऐड कर लीजिए जो डाटा इंटरप्रिटेशन है, केवल 7 दिन में ये 3 एक्सरसाइज तो खत्म हो ही सकते हैं, 7 दिन में डेफिनेटली हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। कॉम्प्रिहेंशन में क्या, ग्राफ देख, वो आपको पैराग्राफ देख के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, तो प्रैक्टिस कर लीजिए, 2 दिन सुबह से शाम तक कर लेंगे, निपट जाएगा वो, 1 दिन में या 2 दिन में वो निपट जाएगा आपका लॉजिकल रीजनिंग, और 3 दिन या 4 दिन आप उसको दे सकते हैं जो डेटा इंटरप्रिटेशन का। एक हफ्ते में 3 एक्सरसाइज खत्म, बाकी बचे 7 यूनिट, 7 यूनिट में थोड़ा थियरी पढ़ना है, ये समझना है, वो समझना है, तो 7 दिन के लिए मान लीजिए 2 महीने पढ़िए ना, कहने का मतलब पढ़िए यार, पढ़ना ही है जीवन में, क्या ये है, विद्यार्थी का जीवन पढ़ने के लिए बनता है, पढ़ते रहेंगे, ठीक है। इस वीडियो में यही समाप्त करते हैं दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके सहायक होगा। कैसा लगा ये वीडियो आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी जैसे ही दोस्तों आगे कुछ चीज़ें होती हैं मैं आपको एक एक करके बताता चलूंगा, और बताता चलूंगा कि इसके एक्सरसाइज में, इसके यूनिट में कैसे एक्सप्लेन, राइट भाई। एक बार फीडबैक जरूर दे दीजिएगा मुझे, प्लीज़ दे दीजिएगा कि ये वीडियो कैसी लगी, मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। बाकी वन बाई वन करके चैप्टर को भी एक्सप्लेन, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जय हिंद जय भारत। एक चीज नोटिस किया आपने, नो रिक्वेस्ट टू लाइक एंड सब्सक्राइब व्हाट एवर, बिकॉज आई बिलीव इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो यू विल क्लिक ऑन द लाइक आइकॉन, एंड इफ यू रियली वांट टू ज्वाइन विद मी यू विल डेफिनेटली क्लिक ऑन द सब्सक्राइब आइकॉन। सो प्लीज अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। कमेंट में आपकी राय, आपकी प्रतिक्रियाएं और आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा, एक बार कमेंट जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना दोस्तों, जय हिंद जय हिंद जय भारत, सब बखैर शुभ रात्रि, जो भी हो अब अपने हिसाब से देख लीजिए, पढ़ते हैं, जय हिंद।